टीम इंडिया में दिनेश कार्तिक को बेहद सौम्य और शांत खिलाड़ी माना जाता है, और अब आईपीएल में बिल्कुल कूल कप्तानी करते हुए उन्होंने दिखा दिया कि वो कितने सरल और स्वाभाविक हैं। लेकिन ये बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि जब दिनेश कार्तिक को गुस्सा आता है तो वो बेहद खतरनाक होता है। टीम इंडिया के धुरंधर खिलाड़ी रोहित शर्मा ने एक किस्सा शेयर करते हुए बताया कि दिनेश कार्तिक के गुस्से की वजह से वो सहम गए थे। असल में रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे कार्यक्रम में आए थे, और यहाँ रोहित शर्मा ने श्रीलंका में हुई निदहास ट्रॉफी का किस्सा सुनाया। हम सभी जानते हैं कि फाइनल मैच में भारत ने बांग्लादेश को बेहद शानदार अंदाज में मात दी थी। इस सीरीज में कप्तान रोहित शर्मा थे और धोनी को भी आराम देने की वजह से दिनेश कार्तिक छठे नंबर पर खेल रहे थे। पूरी सीरीज में दिनेश कार्तिक छठे नंबर पर ही खेले, लेकिन कार्तिक चौथे या फिर पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करना चाहते थे। अब जब फाइनल मैच में टीम इंडिया की बैटिंग लड़खड़ाई तो कार्तिक एक बार फिर पांचवें नंबर पर बैटिंग के लिए जाना चाहते थे, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने कार्तिक के बजाय विजय शंकर को ऊपर भेज दिया, जिसके बाद तो कार्तिक रोहित से बुरी तरह गुस्सा हो गए। हालांकि रोहित चाहते थे कि आखिरी ओवर्स में कोई अनुभवी बल्लेबाज क्रीज पर बना रहे, और ये बात रोहित शर्मा ने दिनेश कार्तिक को भी बताई, लेकिन कार्तिक तो रोहित की बात सुनना तक नहीं चाहते थे और कार्तिक रोहित शर्मा से बात भी नहीं कर रहे थे। कार्तिक के गुस्से से डरते हुए रोहित शर्मा डगआउट छोड़कर ड्रेसिंग रूम चले गए। हालांकि इसके बाद जब मनीष पांडे आउट हुए और कार्तिक बैटिंग के लिए पहुंचे तो फिर कार्तिक ने वो धमाल मचाया जो जिंदगी भर लोग याद रखेंगे। दिनेश कार्तिक ने सिर्फ 8 बॉल पर 29 रन ठोक दिए, और आखिरी बॉल पर जब 5 रन की जरूरत थी तब तो वो छक्का मार दिया। टीम इंडिया के फैंस इस पारी को कभी नहीं भूल सकते, लेकिन इस पारी से ठीक पहले कार्तिक बेहद गुस्सा थे, और अब रोहित शर्मा ने खुद इसका किस्सा शेयर किया है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।